हेलो गाइस, वेलकम टू विजन सक्सेस। आप सभी का विजन सक्सेस में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जल जीवन मिशन। तो जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को जल जीवन मिशन योजना की घोषणा की। तो इस मिशन के अंतर्गत क्या इस मिशन का उद्देश्य है, क्या परिणाम होंगे भविष्य में इस मिशन के, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों से एक आग्रह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को साथ, स्टडी ग्रुप्स में, बिकॉज हो सकता है किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए इस वीडियो को शेयर कर देने से। ठीक है, तो नॉलेज होती है इसलिए कि उसे शेयर किया जाए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार पाइपों द्वारा घर में पानी लाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू करेगी। ठीक है, तो हर घर में पाइपों के द्वारा जल उपलब्ध कराना ये सरकार का लक्ष्य है। तो क्या है उद्देश्य जल जीवन मिशन? इस मिशन का उद्देश्य, जल जीवन मिशन का, 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करना है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कार्यकारी संस्था है। यह मिशन स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और कृषि में पुनः उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन सहित स्रोत की स्थिरता हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। मिशन देश भर में अस्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अन्य योजनाओं में साथ मिलकर काम करेंगे। तो सरकार का ये मानना है कि इस योजना के तहत वो 3.5 लाख करोड़ रुपए को अनुमानित किया है कि इस योजना में वो खर्च करेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में मिलकर। और यहाँ पे जो बात की मैंने जल संचयन के बारे में, तो वर्षा के जल का संचयन ये एक अच्छा उपयोग होगा जल का, कि वर्षा के जल का उपयोग हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बारिश होती है उसका संचयन हम लोग नहीं करते हैं भरपूर रूप से। तो अब सरकार इस पे फोकस करने जा रही है, बच्चों को उनके स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी कि जल को कैसे बचाएं, कैसे सेव करें, इस चीज़ का ज्ञान दिया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस बारे में कहा जाएगा कि आप इस क्षेत्र में भी आप ध्यान दें, क्योंकि वर्षा के जल संचयन, आपका समुद्र जल का उपयोग, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा सरकार के द्वारा। आप तो ये बहुत ही अच्छा है, देश में अगर इस क्षेत्र में काम होगा तो आशा करता हूं कि 2024 तक हर घर में जल की उपलब्धता होगी। क्योंकि आपको भी पता है बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे जल की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर लोगों को पैदल जाना पड़ता है जल प्राप्त करने के लिए। तो अगर सरकार इस क्षेत्र में अच्छे से काम करती तो हम मान सकते हैं कि 2024 तक हर घर में पाइप द्वारा जल उपलब्ध कराया जा सकता है। जुलाई 2019 के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है, सरकार ने जल शक्ति अभियान के लिए 1592 ब्लॉक्स, जो कि 256 जिलों में 256 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनकी पहचान की है जो अत्यंत गंभीर स्थिति में है, उनका अत्यधिक दोहन किया गया है। तो अब इन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता को फिर से विद्यमान करने के लिए सरकार कार्य करने जा रही है। जल जीवन मिशन एक बहुत ही अच्छा मिशन है, जिसके अंतर्गत उन क्षेत्रों में जल पहुंचाया जाएगा जहां पे जल की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप्स में। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।